अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। शाम का वक्त है, मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं नहा धोकर हो गई हूं रेडी, क्योंकि आज मैं सुबह से कर रही थी घर की पूरी सफाई, पूरे घर की छतें, झाड़ियां, दीवारें, जाले वगैरह उतारे। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने पूरा साफ़ सुथरा घर कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखें पूरा घर हो गया है साफ़, बिल्कुल साफ़। इतनी गंदी दीवारें हो गई थी, हर हफ्ते मुझे करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर भाभी ने धोए थे कपड़े, दरवाज़ा करते हैं लॉक, क्योंकि मैं अभी इस वक्त नहाई हूँ और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। बाहर अंदर बंद कर लूँ तो नहीं होती ठंड, लेकिन अब अगर खुला हो तो फिर सर्दी लगती है। यहाँ की लाइट करते हैं ऑन। और खाने में आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, यहाँ पर मैंने मूँग और मसूर, लाल वो नहीं होती ऑरेंज और वो येलो कलर की दाल वो, और यहाँ पर चावल, और ये बहुत टेस्टी आज हमारा दाल चावल का खाना बहुत ही टेस्ट में। ये देखें कितना साफ़ नीट एंड क्लीन आज मैंने घर कर लिया, पूरा घर को झाड़ लिया, पूरा साफ़ सुथरा कर लिया था, बहुत प्यारा साफ़ सुथरा किया। और अभी मुझे क्रेविंग हो रही है कॉफ़ी की और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये देखें मेरी, ये देखें ये कॉफ़ी मैं बीट कर रही हूँ अभी। बस कॉफ़ी बीट करने के बाद मैं थोड़े से चावल खाऊंगी, फिर पीऊंगी कॉफ़ी, बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, और फिर मिलती हूँ, बच्चे जब आएंगे फिर आपसे मिलेंगे। शाम की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी मिलती हूँ, बच्चे जब आ जाते हैं मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और फिर अभी अजाने रही मिलते थोड़ी देर के बाद। जी तो जनाब, ये है मेरी एक अदद प्लेट चावल दाल अचार और प्याज, और ये देखिए मेरी कॉफ़ी, देखिए कितनी कमाल की फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी मैंने इसको रेडी किया है। तो अभी पहले खाते हैं चावल, उसके बाद इस कॉफ़ी के अंदर डालेंगे गर्मा गर्म दूध, और फिर इस कॉफ़ी को करेंगे इंजॉय, माय फेवरेट कैपेचिनो। तो अभी मैं खाती हूँ चावल, और ये है मेरा गर्मा गर्म बिस्तर, अभी मैं इस बिस्तर में जाऊँगी। कॉफ़ी को अभी रख देते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज भी माशाल्लाह से खाली है, कोई चीज़ नहीं है। बस जी यहाँ से पकड़ते हैं अपने चावल और चलते हैं अपने बिस्तर में और खाते हैं अपने चावल। जी तो वेलकम बैक, हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया ट्यूशन से, तो मैं हाशिर के साथ जा रही हूँ पैदल हूँ, और बच्चों को बस लेने जा रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ, तो जैसे बच्चे आते हैं मिलवाती हूँ आपको बच्चों से। जी तो आ चुके हैं ट्यूशन और देने लगी हूँ मैं बेल असद ज़ारा के लिए, अभी बच्चे आते हैं फिर दिखाती हूँ। इधर ज़ारा, ये देख लें ज़ारा असद आ गए हैं, ये लेंगे, इनको ले लिया ट्यूशन से, और अभी हम जाते हैं घर, मिलते हैं घर जाकर। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी, अभी घर जाकर मिलते हैं आपसे। जी तो घर आ चुके हैं, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बच्चों को लेकर आई, रास्ते में असद ने इतना तंग किया ना, बस मैं क्या बताऊँ, इसलिए मैं इसको लेने नहीं जाती हूँ लड़के को, ये बहुत तंग करता है रास्ते में आते हुए, भागता दौड़ता है। और ये देखें बच्चे खा रहे हैं खाना, दाल चावल, असद ने एक प्लेट फिनिश कर दिया अभी। असद और चाहिए चावल? यस फौरन इसे चाहिए, दाल चावल इज़ मोस्ट फेवरेट असद ज़ारा मी एंड असद साहब। और यहाँ पे हाशिर भी बैठा हुआ खेल रहा है इनके साथ। चले असद साहब को और चावल देते हैं। असद अभी मुझे गिराने लगे थे, कसम से क्या बताऊँ मैं आपको, असद को क्या करूँ इस लड़के का। और अभी बस असद को चावल देती हूँ। वेलकम बैक जी, आज है शादी का एक फंक्शन जिसमें ज़ारा और फातिमा जा रही हैं कशफ के साथ। तो ये देखें ज़ारा कैसी लग रही है, आप बताइएगा कि ज़ारा और फातिमा कैसी लग रही है, क्योंकि आजकल है सीज़न शादी का, तो हर जगह शादियां ही शादियां हैं। तो यहाँ पे ज़ारा और ज़ारा मैडम तो बैठ गई हैं, मैं करीब ला के आपको दिखाती हूँ ज़ारा कैसी लग रही है। ज़ारा ऊपर देखो ना, ये देखें बताइएगा, और ये फातिमा, फातिमा इधर देखो, ये देखें ये दोनों कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताइएगा दोनों का लुक आप लोगों को कैसी लगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें कितना मैस हुआ हुआ है, ये देखें इतना ज़्यादा मैस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कशफ को भी तैयार किया है, और कशफ को मैं नहीं दिखा सकती अभी क्योंकि मैं उसका फेस नहीं दिखाती हूँ। तो ये इतना ज़्यादा मैस हुआ है मेकअप का, यहाँ पर मैंने कशफ को रेडी किया था, और कशफ अभी गई है नीचे अपना फुल ड्रेस में, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कशफ फेस नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको कशफ का ड्रेस दिखाती हूँ, कशफ कैसी लग रही है फेस में। तो ये देखें ये है कशफ का ओवरऑल लुक, और ये कशफ का ड्रेस है आज का। अपने फेस पे हाथ रख लो ना, बाहर हेयर स्टाइल में जा, हाँ इस तरह रख लो, ये देखें ये है कशफ, और ये देखें कशफ का हेयर स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें कशफ बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन आप ड्रेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कशफ कैसी लग रही होगी। ये देखें जी, यहाँ पर अभी आपको कितना मैस नज़र आ रहा था, क्योंकि मैंने रेडी किया था कशफ को, और यहाँ पर कितना मैस था, और अभी यहाँ पर देखें सब कुछ मैंने हर चीज़ को मेंटेन करके रख दिया है उसी की जगह पर, सारा मेकअप ब्रशेज़ जो कुछ भी
यहाँ पर था ना, वो सब कुछ हो गया है रेडी, अपनी जगह पर चला गया। और यहाँ पे लाइट कर देते हैं ऑफ, तो कल भी देखें कश्यप को रेडी करती हूँ, तो फिर आपको कल भी कश्यप का लुक दिखाऊंगी। तो बच्चे जा चुके हैं, जी तो जनाब मेरी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, और ये देखें देखने में कितनी यम लग रही है मेरी कैपुचिनो। और अब मैं इसको करने लगी हूँ टेस्ट, और आपको बताती हूँ टेस्ट में कैसी है। गुड, बहुत यम्मी बनी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत मज़े की है।